आज हम ढेर सारे सब्जियों के साथ ब्रेड टोस्ट की रेसिपी शेयर करेंगे। ये ब्रेड टोस्ट चीज़ ब्रेड टोस्ट है और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है। बनाना बहुत आसान है, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए बनाना शुरू करें। हमने लिया है ये ब्रेड स्लाइस, ये मैंने ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया है। आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। और कैप्सिकम मैंने काट के ले लिया है, और टमेटो, बॉयल कॉर्न और ऑनियन और बटर ब्रेड को सेकने के लिए। और हमने लिया है ये अमूल चीज़, और आप इसकी जगह स्लाइस भी यूज़ कर सकते हो जैसे आपको पसंद है। चलिए बनाना शुरू करें। टोस्ट के लिए स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने लिया है एक बोल, और इसमें हम ऐड कर देंगे ये अनियन। अनियन को मैंने फाइन चॉप करके लिया है, और बॉयल कॉर्न इसको ऐड कर देंगे। कैप्सिकम ऐड कर देंगे, कैप्सिकम को भी मैंने बहुत बारीक बारीक काट के लिया है। और टमेटो ऐड कर देंगे, ये टमेटो भी मैंने बारीक बारीक काट के लिया है। अभी हम ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, ये आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको तीखा जैसे पसंद है। और ये रेड चिली फ्लेक्स, और इसके बाद मैं डालूँगी ओरिगेनो। ये ओरिगेनो मैंने एक एक टीस्पून डाला है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ये चीज़ 2 टेबल स्पून, और सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सारे स्टफिंग तैयार कर लिया है, अभी हम टोस्ट बनाएंगे और स्टफिंग भर के। अभी हम लेंगे ब्रेड के स्लाइस, और इसमें हम लगा देंगे टमेटो सॉस। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस, टमेटो सॉस जो भी है आप इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए, और इस तरह से पूरा ब्रेड के ऊपर, ये देखिए। अभी हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे, 2 टेबल स्पून भर के इसमें हम इस तरह से स्टफिंग डाल देंगे। ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है, और इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर और थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे इस तरह से, और दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेके इसको इस तरह से ढक देंगे, और ये हमारा टोस्ट रेडी हो गया। हमने एक टोस्ट तैयार कर लिया, लेकिन इसके ऊपर वाले जो स्लाइस में हमने टोमेटो सॉस नहीं डाला है। हम दूसरा एक टोस्ट तैयार कर रहे हैं, इसमें चीज़ डाल दिया, और इसके जो ऊपर वाला स्लाइस है इसमें हम टोमेटो सॉस लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, और इस तरह से ये तैयार कर लेंगे। ये टोस्ट हमारा रेडी है। अभी हम इसमें लगाएंगे बटर इस तरह से, ऊपर जो ऊपर ऊपर हिस्सा है इसमें हम बटर लगाएंगे। और इस तरह से बटर लगा के तैयार कर लिया है, अभी सेकेंगे। टोस्ट को सेकने के लिए हमने तावा यूज़ किया है, हम तावा पे ये ब्रेड सेकेंगे। लेकिन आपके पास अगर टोस्टर है उस भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं जिसमें बटर लगाया हुआ हिस्सा है वो नीचे करके इस तरह से तवा पे सेक लूँगी, और गैस का फ्लेम सिम रखूँगी। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसमें भी हम इस तरह से बटर ऐड कर देंगे, इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, और एक साइड से ब्राउन होने के बाद इसको पलट देंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, और एक साइड से देखिए बड़ी अच्छी गोल्डन कलर आ चुके हैं। हम इस तरह से पलट पलट करके गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से सेक लेंगे। दोनों साइड से पलट पलट करके गोल्डन कलर आने तक हमने सेक लिया है, और इसको अभी हम उतार लेंगे। बाकी की टोस्ट भी इस तरह से सेक लेंगे। टोस्ट को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और अभी हम इसको काट के दिखाएंगे। इस तरह से आप पिज्ज़ा कटर से इस तरह से काट लीजिए बीच में से, जैसे आपको पसंद है। ये देखिए इसकी कितनी बढ़िया टोस्ट बन के तैयार है, और सब्ज़ी
चीज़ आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप एक बार बना के ज़रूर देखिए। ये टोस्ट बहुत ही टेस्टी है और इसका स्वाद, इसका टेस्ट बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा है और आपको अलग से पिज़्ज़ा बना के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, इस तरह से टोस्ट बना के खाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और एक वीडियो के साथ आप लोगों के पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।